नमस्कार, जीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब आप अमित सर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक पर जाकर आप उन्हें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी से किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो या जो कोड यानी अमित फॉर GSP कोड है उसका यूज करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि सर के द्वारा अनअकैडमी पर प्लस में GS की कुछ क्लास ली गई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, इसके बाद ही आप सर की क्लास को देख सकते हैं। और सर की कुछ क्लास फ्री में भी अवेलेबल है, यानी स्पेशल क्लास भी सर के द्वारा दी गई हैं। तो उन स्पेशल क्लास को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पर सर की क्लास की लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करें और आप उनके कोर्स को देख सकते हैं। और साथ ही साथ उनके कोर्स को इनरोल कर लें, ताकि जब भी सर कोई भी ऐसी क्लास को लाएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इन स्पेशल क्लास को ज़रूर देखें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अनअकैडमी पर जो प्लस की क्लास होती है वह किस तरह से वर्क करती हैं। और अगर आप इन GS की क्लास को देखते हैं, सर के द्वारा दी गई हैं जो, तो आपके सभी एग्ज़ाम में वह काम आएंगी, जिसमें भी GS का पेपर आता हो, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। GS पाठशाला के डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन के समाचारों में से उन घटनाओं को डिस्कस करेंगे जो कई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे UPSC, अदर सिविल सर्विस एग्जाम्स, SSC, रेलवे, बैंक, NDA, CDSE, APF आदि परीक्षाओं में पूछी जाती हूँ। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो के नीचे जो बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर की नोटिफिकेशन जो है वह मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली राष्ट्रीय खबर से। पहली राष्ट्रीय खबर में हमारा प्रश्न है कि पेटीएम के साथ किस शहर के मेट्रो द्वारा QR कोड आधारित टिकट के लिए एक MOU पर समझौता हुआ। तो हम आपको बता दें कि पहले तो ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि यह किस शहर के साथ ऐसा समझौता हुआ है। तो यह हैदराबाद जो मेट्रो है, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने तेलंगाना के रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक QR कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत की है पेटीएम के साथ मिलकर। यह यात्रियों को लंबी भीड़ से हुई परेशानी और टिकट लेने के लिए जो लंबी लंबी लाइन लगती है उससे बचाने के लिए पेटीएम पर यह जो टिकट की सुविधा दी गई है। पेटीएम ऐप के थ्रू आप टिकट को खरीद सकते हैं। बात करें तो यह कैसे पता चलेगा, तो ये जब भी यात्रा करेंगे यात्री तो जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट रहेगा, जिसके थ्रू या जो टिकट है उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। इससे जो क्या है, 14 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड धारकों को मदद मिलेगी। यह जो सेवा है वह पेटीएम के संस्थापक द्वारा दी गई है, जिसके संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा जी हैं। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी उत्तर प्रदेश नोएडा में। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जिसके जो मुख्यमंत्री कौन है, आदित्य योगीनाथ, और वहाँ के जो राज्यपाल है वह आनंदीबेन पटेल है। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे आज की जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमारा प्रश्न है कि 2020 में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन कौन सा देश करेगा। तो आपको बता दें कि यह जो बिम्सटेक शिखर सम्मेलन है वह कौन सा देश करेगा। हमारे ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश या फिर भारत। यह जो सम्मेलन है वह श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा, सितंबर के महीने में इसे आयोजित किया जाएगा कोलंबो में। और इसकी जो शुरुआत होगी वह 17th मंत्रीय स्तरीय बैठक के साथ होगी, और इसकी जो बोल सकते हैं समाप्ति होगी वह 21वें वरिष्ठ अधिकारी की बैठक के रूप में होगी। आगे हम देखते हैं इसी में, श्रीलंका के राष्ट्रपति गायाताबे राजपक्षे हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे हैं, और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका का रुपया है। यह जो बिम्सटेक
है वह विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्रों का नेतृत्व करेगा श्रीलंका। इसमें आपको बता दें कि श्रीलंका अध्यक्ष बिम्सटेक का जो है 2018 से लेकर 2020 तक बना रहेगा। इसके बाद इसे आगे कैरी ऑन किया जाएगा, इसे जो है थाईलैंड को दिया जाएगा। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की जो कि नियुक्तियों से संबंधित है। हाल ही में हुई नियुक्तियों को देखते हैं। नियुक्ति है डेनिस सिंगल किस देश के प्रधानमंत्री बने, यह हमारे ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि क्या ये यूक्रेन, स्लोवेनिया या फिर मलेशिया या क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने। तो इसका जो सही उत्तर है वह यूक्रेन है। यूक्रेन की संसद ने इन्हें नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। डेनिस सिंगल को इसकी मंजूरी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डिमीर जेलेंस्की है और इसकी मुद्रा जो है क्या है, यूक्रेन रिवीनिया है, और यहाँ की जो राजधानी क्या है, कीव है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे देखते हुए हम देखेंगे कि यही है डेनिस सिंगल जिन्हें यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसमें इतना ही, चलिए एक और नियुक्ति पर एक नजर डाल। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया, या हमारे ऑप्शंस हैं। तो आपको बता दें कि भारत के नए और अगले मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे वह कौन हो? आपको बता दें कि भारत के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे, बिमल जुल्का जी को नियुक्त किया गया है, या इससे पहले सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यरत थे। और आपको बता दें कि यह जो यानी सूचना का अधिकार केंद्र सरकार 2005 में लाई थी, यानी RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। यह लोकतांत्रिक में शासन प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाई गई है। अर्थात सत्ता में बैठे जो भी लोग हैं वह अपनी जो पावर है उसके किसी प्रकार से दुरुपयोग ना कर पाए, उसके बाद भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से बचने के लिए, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र से जो भी सरकारी कार्य है उसकी सूचना जो है आम जनता ले सके, जिसके लिए ही सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया गया था 2005 में। अब हम देखेंगे विमल जुल्का जी को जिन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर भारत में नियुक्त किया गया है। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित खबरों पर। हमारा आज का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया, या हमारे ऑप्शंस हैं। तो आपको बता दें कि यह 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। इस साल का जो विषय रहा हुआ क्या था, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट रखा गया। यह थीम पूरे विश्व भर में इस पर ही आयोजन किया गया, वुमेन्स यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। जो कि इस थीम का मतलब क्या हुआ कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जेंडर इक्वेलिटी पर बात करना, इसके अलावा महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा, प्यार प्रकट करते हुए इंटरनेशनल वुमेन्स डे के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धियों के तौर पर इस त्योहार को या उत्सव के तौर पर मनाया गया। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे खेलकूद संबंधित खबरों से। हमारा प्रश्न है कि किस टीम के द्वारा महिला T20 विश्व कप 2020 की चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती गई, यानी जो महिला महिलाओं के लिए T20 विश्व कप आयोजित किया गया 2020 के लिए, उसमें किस महिला टीम क्रिकेट टीम के द्वारा यह ट्रॉफी जीती गई। तो यह हमारे ऑप्शंस हैं। आपको बता दें कि यह जो टीम है जीतने वाली वह कौन सी थी, डिफेंडिंग चैंपियंस यह ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसके द्वारा T20 विश्व कप 2020 जीता गया। और यह जो क्रिकेट हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में किया गया था आयोजित, और यह रही ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने यह जो T20 विश्व कप है इसकी विजेता रही 2020 में। आइए हम कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं। इस यह जो विश्व चैंपियनशिप हुई T20 की, इसमें बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अर्थात यह दोनों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित खिलाड़ी हैं। इस मैच का टूर्नामेंट का जो फाइनल है वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। टूर्नामेंट में 10 टीम शामिल हुई थी महिलाओं की, यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड, भारत,
सहित या जो सारी टीमें हैं यानी जो 10 महिलाओं की क्रिकेट टीम है इन्होंने या जो चैंपियनशिप है इसमें हिस्सा लिया था। यह मैच 2020 में 21 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित किया गया था। आईसीसी महिला T20 का यह 7वां संस्करण था जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और संबंधित जो खेलकूद खबर है उससे कि 500 T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, अर्थात यह एक रिकॉर्ड है कि किसी खिलाड़ी ने अपने पूरे करियर में 500 T20 मैचेस खेले हैं, तो हमें बताना है। आपको बता दें कि यह जो खिलाड़ी है वह कौन है, वेस्ट इंडीज के कप्तान कीरन पोलार्ड है जिन्होंने यह जो रिकॉर्ड 500 T20 खेलने का अपने नाम किया है। दूसरे नंबर पे जो है 453 मैचों के साथ दूसरे स्थान पर कौन रहे, ड्रेन ब्रावो, और तीसरे स्थान पर क्रिश गेल रहे जिन्होंने 404 T20 मैचेस खेले हैं अभी तक। अगर बात करें कीरेन पोलार्ड की तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में उतरे हैं जिसके बाद यह 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये रहे वेस्ट इंडीज के कप्तान कीरेन जिन्होंने अभी तक 500 T20 मैचेस खेल रखे हैं। इसमें इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप अमित सरगोन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लें जहाँ पर हम अपने करंट अफेयर्स की PDFs अवेलेबल करते हैं, आप हमें फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर हम डेली अपने करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को पोस्ट करते हैं, और या अदर सोर्स जिसके थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फर्दर की नोटिफिकेशन जो है वह मिलती रहे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप अमित सरगोन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें इस लिंक पर जाकर, और अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यह जो कोड आपके सामने दिख रहा है अमित फॉर GSP इसका इस्तेमाल करें जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। धन्यवाद।